हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पटना व्लॉग। दिस इज़ पार्ट 5। और हम लोग जंगल सफारी में ही हैं और हम लोग इसके अंदर में ही एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स चीज़ें हैं जहाँ पे आप वहाँ पे कर सकते हैं और उसके अलग चार्जेस लगते हैं। आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एडवेंचर करना चाहते हैं वहाँ पे आप उसके टिकट कटवा सकते हैं। और हम लोग उस जगह में पहुँच चुके हैं। तो ये जो टोटो से हम लोग आए थे वो वहीं पे रहता है, वहीं पे पर पर्सन 10 रुपीज़ लेता है और हम लोग को उस जगह पे ले गया था। एंड और अंदर में एक और एक राइड था, मतलब एक देख सकते हैं एक टोटो जैसा ही था लेकिन वो पहले से बुक कराना पड़ता है। मुझे इसमें बैठने का बहुत मन था, जो आप देख सकते हैं सामने में, यहाँ पे मैंने साइड में भी दिखाया है, इसमें बैठने का मुझे बहुत मन था बट इसका बुकिंग पहले ही होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको बैठने का मन होगा तो आप पहले से यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट सारे होते थे पहले, लेकिन अब जहाँ पे आप जो चीज़ करोगे आप डायरेक्टली वहाँ पे ही टिकट करवा सकते हो। तो यहाँ पे वो रौनक गया था पूछने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स चीज़ें हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखें, उसके बाद हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो हम लोग घूमते घूमते निकल गए देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ खाने को है या नहीं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हाउस ट्री है, इतना खूबसूरत था लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं था। वो एक छोटा सा मतलब एक रेस्टोरेंट और शायद कॉटेज टाइप का था, शायद कॉटेज ही था इसलिए सबको परमिशन वहाँ नहीं था जाने का। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सारा जगह है। तो आप इंजॉय करिए इस व्यू को। रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत टाइम था और कुछ भी रेडी नहीं था। वहाँ पे आप देख सकते थे वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ बना है क्योंकि बहुत सुबह हो रही थी तो अभी तक कुछ भी वहाँ पे रेडी नहीं था कुछ खाने के लायक, इसलिए वहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग को बहुत जगह घूमना बाकी था अभी भी। तो और हमारे पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम था, हम लोग को नेक्स्ट डे फिर निकल जाना था आसनसोल के लिए तो इसलिए हम लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए मामा बंदर के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और ये जगह में इतना हवा चल रहा था, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और लेकिन काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। आसपास का जो सीन था इतना अच्छा, व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मन ही नहीं मतलब हट रहा था। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा था, धूप की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो इसमें हम लोग में से कोई नहीं चढ़ा क्योंकि हवा में साइकिल चलाने का कोई हम लोग को शौक़ नहीं है। तो इसीलिए ये जस्ट एक वहाँ पे कोई थे जो उसका इस राइड का मज़ा ले रहे थे। आप देख सकते हैं कि मुझे तो मज़ा कम लग रहा है और डर ज़्यादा रहे थे वो, बट हम इसीलिए मैंने उनका एक वीडियो बना लिया कि आप लोग को दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक पार्क जैसा था जहाँ पर ये लोग सब हम लोग यहाँ सब इंजॉय किए।
याद कर रही है लोग। ये हुआ बैलेंस। ये है जिप लाइन जहाँ पे इस पार से उस पार ले जाया जाता है, लटक के जाते हैं जो, उसको जिप लाइन ही बोलते हैं। और यहाँ पे आने से पहले हम लोग सबको तैयार थे कि ये चीज़ करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग और कम हो गए कि नहीं जाएंगे। लास्ट में फिर मैं भी गिव अप कर दी और फिर ये दोनों एग्री हुए जाने के लिए। मुझे भी मन था लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे डर लगने लगा। फिर मम्मी को फिर बाद में मन करने लग गया कि ये लोग जा रहे थे, तो फिर कैंसिल हो गया कि नहीं मत जाओ, क्योंकि मम्मी सूट भी पहनी हुई थी तो वो जिस तरह से वो पहना जाता है वो ठीक से पहन भी नहीं पाती मम्मी, तो फिर उस भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट में फिर रौनक और क्रिस ही गए। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, जब तक कुल आ रहे थे वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स के छोटे छोटे से प्लांट थे जो बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे थे, तो मैंने उनके वीडियो बनाया। और यहाँ पे पापा और मामा बैठे हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो लोग को बहुत दूर जाना पड़ रहा था, फिर वहाँ से वो लोग आ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आ रहा है रौनक, इसके बाद क्रिस आएगा। लेकिन क्रिस का क्या हुआ था कि वो बीच में अटक गया था, तो ये भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। यहाँ पे रौनक ही आराम से आ गया, बट क्रिस के टाइम में क्या हुआ कि वो एक जगह पे रुक गया, और हवा की वजह से था कि किस वजह से आई डोंट नो, बट वो वहाँ पे एक जगह पे अटक गया था। तो उसको लाने के लिए फिर यहाँ से गए वो लोग, पता नहीं उसमें एक मैग्नेट टाइप का था, उससे वो लोग खींच के उसको लेके आए। तो अब देख सकते, देखिए यहाँ पे क्रिस अटका हुआ है, तो फिर वो जाएगा और उसको मैग्नेट से खींच के ले आएगा। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है अब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। ओके बाय।